नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 9वीं की अर्थशास्त्र के बारे में, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका लास्ट चैप्टर है, चौथा। भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। याद रखिए, अगर आप स्टेट PCS या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए NCERT जरूरी है। अगर कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक एक हो सके तो पढ़ लें, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लें। लेकिन याद रखिए, कक्षा 9वीं से 12 तक की जो भी बुक्स है आपकी NCERT की, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। समझ में आए? तो वैसे तो मेरी सलाह है कि कक्षा 6वीं से ही आप लोग पढ़ें। इससे क्या है, एक बेस बहुत मजबूत हो जाता है। और बहुत पतली पतली है कक्षा 6वीं से 8वीं तक की, और नॉर्मल बुक्स हैं, बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी गई हैं, इसलिए जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो उन्हें भी पढ़ लें। तो चलिए, हम लोग जानते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। खाद्य सुरक्षा का सीधा सा मतलब आप ले सकते हैं कि उस तक सबकी पहुंच हो, सबके लिए भोजन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा है क्या आखिर? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हो सकते हैं, कौन कौन से? खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न, खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ होता है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है आखिर? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं नीचे की तबका है लोगों की क्या हालत हो सकती है। निर्धन गरीबी से ऊपर के लोग प्रभावित होते हैं तो गरीबों की हालत आप जान सकते हैं। और फिर एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे भारत में कोई भी समस्या हो, फिर चाहे आपकी प्राकृतिक जनित हो या मानवीय, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित आपके नीचे तबके के असहाय ही लोग होते हैं। ठीक, ये आप लोग दिनचर्या में भी अपनी देख सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का था कि आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर सेन ये हमारे इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अमर सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा। हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया इन्होंने। हकदारियों का भी पुराय राज्य या फिर सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्न पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्ति, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए
आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1995। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परमावश्यक है। आगे बात करते हैं किसी आपदा के समग्र समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है और खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते हैं। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या फिर लंबे समय तक बनी रहती है तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भुखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। यहाँ आप मांग और पूर्ति का नियम लगा सकते हैं, यानी कि जिस चीज की मांग बढ़ेगी स्वाभाविक उसकी कीमत भी बढ़ेगी। क्या होगा? मांग बढ़ेगी। जैसे आप ही सोचिए, एक पेन है, वहां खरीदने वाले 10 हों और एक ही पेन हो तो उसकी कीमत वो दुकानदार बढ़ा देगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसी तरह किसी भी चीज की अगर मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ी जाती है। अगर मांग बढ़ जा कीमत बढ़ जाती है तो वही लोग खरीद पाएंगे उसे जो सक्षम होंगे, जो सक्षम नहीं होंगे वो पिछड़ जाएंगे। इसी तरह से भोजन के लिए भी होता है कि खाद्यान्न अगर नहीं खरीद पाएंगे लोग तो पिछड़ जाएंगे, भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ठीक है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भुखमरी तथा विवश होकर दूषित जल, सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भुखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए। क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर, मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी, अन्य अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मारे गए थे। अब आप भी अभी समझ सकते हैं कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोग कौन से मारे गए हैं। गरीब, वो बीमारी यानी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण नहीं मारे गए, वो इसलिए मारे गए हैं क्योंकि उनके लिए घर पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं थी और वो घर से निकल चुके थे। तो कुछ लोग ट्रेन से कटकर, कुछ लोग गली चलते चलते मर गए। तो समझ सकते हैं, यहाँ से आप लोग एक कॉमन सेंस लगा लिया करिएगा। चलिए मान लेते हैं कोरोना की तो दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, इसलिए उसे नहीं रोज कहा जा सकता है उससे होने वाली मौतों को, लेकिन लोगों को खाना उपलब्ध कराकर भुखमरी से तो रोका जा सकता है। पहले इससे तो निपट लीजिए। कहते हैं कि डेली के हजारों लोग मरते हैं भूख से। जब आप इसे नहीं रोक सकते तो आगे क्या करोगे? जैसे आप भी समझते हैं, जिसकी वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, वो मजबूरी है हमारी, लेकिन जिसकी वैक्सीन है कम से कम उसे तो रोकी है। बंगाल प्रांत में चावल की उपज 1938 में उत्पादन 85 टन, कुल उपलब्धता 1,85,000 थी। 1943 में उत्पादन 76 लाख, आयात 0.3 लाख और कुल उपलब्ध 79 लाख। राहत केंद्र पर भुखमरी से पीड़ित लोग 1945 में। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार देख सकते हैं। चित्त में यह हालत दिख रही तो सामने से क्या होगी? कभी आप लोग अगर बेहतर समझना करे आपको किसी भुखमरी या गरीबी को, तो किसी बस्ती की ऐसी जहां गरीब लोग रहते हैं वहां उसका चक्कर लगा लिया करिएगा।
पता चल जाएगा कि वो बहाने बनाते हैं, क्योंकि कई लोग घर में बैठ कर बड़े बड़े इन्हें मजबूर बताते रहते हैं, इनके बारे में हंसी मजाक उड़ाते रहते हैं। तो कभी यहाँ जाकर देख लिया करेगा, पता चल जाएगा। परियोजना कार्य, भारत में अकाल संबंधी और सूचना एकत्रित कर सकते हैं। भारत में बंगाल जैसा काल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई हैं। और ऐसे भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के वर्षों में राजस्थान के वारण जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें पता है उसके परिवार में 6 मेंबर होते हैं, 4 बच्चे और वो उसकी पत्नी। तो पति पत्नी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? क्योंकि भूख से मर रहे थे बच्चे, और वो अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख पा रहे थे। उसके बाद मीडिया पहुंचती है, उसके पास फिर आपके विधायक पहुंचते हैं, फिर मंत्री साहब पहुंचते हैं। तो बताए आपको कि मीडिया और विधायक नेता जो होते हैं ये सब निपटने के बाद ही जाते हैं। आप ही सोचिए, उसके पहले पहुंच कर वहाँ अगर खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जाता तो वो मौतें होती, उन्हें रोका जा सकता था कि नहीं रोका जा सकता था। लेकिन नहीं, उससे पहले नहीं, जब तक दुर्घटना ना घट जाए तब तक कहाँ हमें मालूम चलता है। असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं: भूमिहीन जो थोड़ी बहुत या फिर नगण्य भूमि पर निर्भर है, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार, निराश्रित तथा भिखारी लोग। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रयास कम वेतन वाले व्यवसायों, अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। एक कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हुए हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। रामू की कहानी, इससे आपको सीख मिलेगी, ध्यान से पढ़िए। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेती हर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं। कितने? 1,000। आप सोचिए, 1 साल के 1,000। रामू के भी 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकती। रामू की पत्नी सुन हरी भी पशुओं की सफाई करने, गोबर हटाने का काम अंशकालीन करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उसकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने की तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। जब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है, कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या फिर गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल, जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध और
तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। रामू किसी कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। आप समझ सकते हैं किस तरह से अपना ये कहाँ आगे बढ़ने की सोच पाते होंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ाने की सोच पाते होंगे। जब पेट भरे तब तो उसके बाद कोई सोचे आगे की। अब अहमद की कहानी। अहमद बंगलोर में रिक्शा चलाता है। वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलिया से आया है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसके प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का PCS कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों की उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। आप समझ सकते हैं कि रिक्शा चालक है अहमद। और अभी कोरोना में भी आप लोग करंट की घटना से जोड़ सकते हैं इसे। अब कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ है। इसका परिवार किस पर निर्भर था? रिक्शा पर। यानी कि इसकी कमाई का जरिया केवल रिक्शा था। अब सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा। 3 भाई 2 बहनें बूढ़े माँ बाप, यानी कि 8 लोग हो चुके टोटल। 8 लोगों ने कैसे 2 महीने निकाले होंगे, आप ही सोचिए। मतलब इतना 2-4 मिनट निकाल के इतना दिमाग लगाइए कि सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, 2 महीने इसने कैसे निकाले होंगे। तो रिक्शा में कितनी कमाई होती है, समझ सकते हैं आप। ये हालत है हमारी देश की। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्गों, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे आजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। जो महिला कुपोषण से प्रभावित होगी उसका आने वाला बच्चा भी कुपोषण से ही शिकार होगा। कुपोषण का खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती, दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहाँ गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपातिक रूप से अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या सर्वाधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण 1998-99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ है। ये सरकारी आंकड़े हैं, आप हकीकत समझ सकते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि केरल क्यों आगे रहता है, क्योंकि वहाँ वास्तव में जो महिलाओं के लिए, महिलाओं क्या सबके लिए वहाँ खाद्यान्न उपलब्ध है, अच्छी शिक्षा उपलब्ध है, स्वास्थ्य उपलब्ध है और यही तो मानव की जरूरत है।
अगर इसे ही उपलब्ध करा दिया जाए तो लोग आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं, फिर चाहे वो गरीब हो अमीर हो। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भुखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी की दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा या फिर गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होते हैं। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंधित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है, जैसे बरसात के मौसम में अनियत निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इसी तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम होता है, यानी कि असक्षम होता है। सारणी 4.2 में दिखाया गया है कि भारत में मौसम में साथ ही दीर्घकालिक भुखमरी के प्रतिशत में गिरावट आई है। देखिए ये आपकी ग्रामीण है, ये शहरी है। 1983 की स्थिति देख लीजिए और ये आपकी 1999 2000 की स्थिति। इसी तरह शहरी में आपका 1983 1999 2000 की स्थिति देख सकते हैं। क्या थी ग्रामीण की बात करेंगे तो हम लोग 1983 में आपकी 16.2 मौसमी प्रतिशत, दीर्घकालिक 2.3 यानी कि 2.3 और कुल 18.5। शहरी की इसी समय बात करें तो 5.6 दीर्घकालिक थी, 0.8 कुल थी, 1.6.4, मतलब शहरों में कम थी। ठीक, पंजाब का एक किसान HIV वाई भी विकारों वाले गेहूं के खेत के सामने, जिस पर हरित क्रांति आधारित है, और हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा पंजाब और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों को ही तो हुआ था। ठीक है, इन्हीं क्षेत्रों को सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी अनाज और चावल में, सर्वाधिक वृद्धि हुई जो स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में ये लाभकारी रही। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्जा दिया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई जो 44.01 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः 2015-16। वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन, वर्ष 16-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो 26.87 और 17.79 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो आपकी 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में। बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा।
70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम के विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा। देश भर में उपजाई जाने वाली विविध फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक कहते हैं कि जब भुखमरी से कोई मरता है तो हमारे पास इतना खाद्यान्न उपलब्ध, इतना सड़ जाता है, जो अगर उसे बांट दिया जाए तो वो भुखमरी से क्या 2-4 साल वो जिएंगे उसी खाद्यान्न पर, इतना हमारे पास रखा रखा खराब हो जाता है। कृषि निगम कल्याण भारत में अनाज की उपज करोड़ टन में, ये वार्षिक रिपोर्ट 2017-18, ये आपकी बार से रिपोर्ट चेंज होती रहती है, तो इसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए। देख सकते हैं आप लोग 1961-62 में देख सकते हैं 80 करोड़ टन, उसके बाद आप लोग 2016-17 में पहुंचिए 275.68 टन, मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं बफर स्टॉक क्या होता है आखिर। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। यह खराब मौसम या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। आप लोग ने देखा होगा सोसाइटी में, या आपके यहाँ जहाँ कोटा होता है वहाँ बेची जाती है, आपके यहाँ जो गेहूँ होता है उसे सोसाइटी में या कोटा में दिया जाता है, तो यही तो बफर स्टॉक है। यही लोग जाकर फिर इसका भंडारण कर लेते हैं, फिर वापस जब आपका कोटा से वितरण होता है तो उसे बेच दिया जाता है, यानी कि गरीबों के लिए भेजा जाता है, या फिर कहीं आपदा पड़ रही हो, प्राकृतिक आपदा आई हो मानवीय, तो वहाँ भी आपका मदद की जाती है इसी से, ठीक है। तो आपने देखा होगा हर साल खरीदा जाता है मौसम बाई मौसम फसल। पर आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों में गांव, कस्बों, शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाले वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी खाद्यान्न और खाद्य खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार पितिमा है, इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी और चावल निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकते हैं। अगर आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ राशन कार्ड होता है तो आप इस तरह की लाभ या फायदा ले सकते हैं, ठीक है। राशन कार्ड के 3 प्रकार के होते हैं। निर्धनों में भी, निर्धन लोगों के लिए अंत्योदय कार्ड, यानी कि गरीबों में से फिर और ज्यादा गरीब हैं उनके लिए आपका अंत्योदय कार्ड, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए BPL कार्ड और अन्य लोगों के लिए APL कार्ड, ठीक है। देखिए इस तरह से आप लोग कभी गए होंगे खरीदने के लिए, देखा हुआ इस तरह।
भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के काल पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक में के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबों के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी तीन महत्वपूर्ण अंतरक्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले ही से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। फिर था एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू किए। काम के बदले अनाज FFW 1977-78 में प्यार पहले से मनरेगा के तहत भी आपका काम के बदले अनाज दिया जाता था। इस वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने में के बढ़ते अनुभवों के आधार पर कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद भी है, जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कर कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देते हैं। आप समझ सकते हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से गरीबी 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 चिल्लाते आ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक गरीबी का उन्मूलन नहीं हो सका, गरीबी नहीं हट सकी। ये आप सोचने वाली बात होती है। लाल बहादुर शास्त्री ने अच्छा प्रयास किया था, पता है। पहले हम लोग अमेरिका से बहुत बड़े स्तर पर खाद्यान्न आयात करते थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही सुधार होने लगा था इसमें। लेकिन गरीबी किसी भी हद तक कम नहीं हुई, फिर चाहे कोई भी पॉलिटिशियन आया हो, यानी कि आपका देश का प्रधानमंत्री आया हो, क्या है कोई सफल ही नहीं हुआ है, पता नहीं अब जो भी उनका रहा हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति की बात करें हम लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं था पहले, यानी कि ये सार्वजनिक प्रणाली गरीब हो फिर चाहे अमीर हो दोनों लोगों के लिए उपलब्ध होती थी। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। 1992 में देश के करीब 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली IPDS शुरू की गई। इसका लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 के से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि TPDS प्रारंभ की गई। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा 2000 सन 2000 में दो विशेष योजनाएं, एक आपका अंत्योदय अन्न योजना और दूसरी थी अन्नपूर्णा योजना। ये योजनाएं के अनुसार गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित थी। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का सारांश आपका सारणी 4.3 में दिया गया। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्य उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुए। इससे देश की अनाज की अधिशेष क्षेत्रों में से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भुखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होना होता है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की कीमत में यानी कि वृद्धि में योगदान दिया तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की।
देख लीजिए इसे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। योजना का नाम, आरंभ कवरेज, लक्षित समूह, अद्यतन मात्रा, निगम कीमत। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 तक सर्वजनीन यानी कि सबके लिए। इसमें गेहूं आपका 30 रुपया किलो, गेहूं 2.34 यानी कि 2.34 रुपया प्रति किलो, चावल 2.89। फिर संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, इसमें पिछड़े बिलों के लोगों को शामिल किया गया। आगतन मात्रा 20 किलोग्राम खाद्यान्न था। गेहूं की क्रय रहा है इसमें 2.80 रुपये, चावल का आपका 3.77। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 से निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल एपीएल परिवारों के लिए। इसमें 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध था। बीपीएल गेहूं 4.45, चावल 5.65, एपीएल गेहूं के लिए गेहूं आपका 6.10 रुपया किलो, चावल आपका 8.30 रुपया प्रति किलो। अंत्योदय योजना 2002 में, इसमें निर्धनों में सबसे निर्धन व्यक्तियों को चुना गया। इसमें भी आपका 35 किलो खाद्यान्न मिलता है, गेहूं 2 रुपया किलो और चावल 3 रुपया किलो। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आई, ये सन 2000 में दीन वरिष्ठ नागरिक 10 किलो खाद्यान्न ये निःशुल्क दिया जाता था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, योग्य परिवार 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, गेहूं 2 रुपया किलो, चावल 3 रुपया किलो और अनाज 1 रुपया किलो। समझ सकते हैं ना, इस तरह थी आपकी योजना। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव और गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया। आगे चलते हैं हम लोग। तथापि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर इसकी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भुखमरी की घटनाएं हो रही। एफसीआई के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे का अनाज खा रहे हैं। नीचे दिए गए आरेख में 4.2 में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का स्टॉक इसकी मोजा मानदंडों में अंतर को दर्शाती है। देखिए बफर नॉर्म और एक्चुअल स्टॉक, ये आपका बफर नॉर्म है, ये आपका एक्चुअल स्टॉक है। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाले निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर दर पर प्रत्येक परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की यह मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। आपने देखा होगा कई लोगों की अभी भी बीपीएल कार्ड उन लोगों के जो सक्सेस हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब गरीबी रेखा में दूर दूर तक नहीं है, फिर भी उनके 4-5 भाई हैं अगर घर में तो उनके 4-5 के आधार कार्ड यानी कि बीपीएल कार्ड है, वो इस योजनाओं का फायदा लेते हैं। लेकिन मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास रहने के लिए अच्छा मकान भी नहीं है, जो वास्तव में गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन उनके पास इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कोई साधन नहीं है। क्या होता है कि छोटे स्तर पर जब भी ये काम रहता है किसके हाथ में, सरपंच, सेक्रेटरी, तहसीलदार, तो ये लोग
घपला करके सब कुछ करते रहते हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये की है, भ्रष्टाचार। ये ना कभी खत्म होने वाला है ना हो रहा है। हमारे वो अन्ना हजारे उठे थे फिर वो बैठ गए, पता ही नहीं चलता है उनका। सहायकी यानी कि सब्सिडी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब आज इस तरह से ले सकते हैं, सिलेंडर का आपने देखा होगा कि जहाँ से आप लोग खरीदते हैं वहाँ से सिलेंडर आपका 700 रुपये में मिल रहा है, उस पर सरकार आपकी 200 से 300 सब्सिडी दे देती है। तो 700 रुपये आपको देने तो पड़ेंगे उसे, लेकिन क्या होगा, वो 300 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे सरकार की तरफ से। ठीक है, इस तरह से सब्सिडी हो जाती है। वर्ष 2014 में FCI के पास गेहूं और चावल का भंडार 65.2 करोड़ टन था, जो न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के विवरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, अनाजों के वितरण से हालात सुधरे। इस बात पर आम सहमति है कि बफर स्टॉक का उच्च स्तर बेहद अवांछनीय है और यह बर्बादी भी है। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रख रखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। न्यूनतम समर्थित कीमत को कुछ वर्षों के लिए स्थिर रखने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्य दो फसलों जैसे गेहूं और चावल तक सीमित है, न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि में विशेषतया खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया है। जबकि मोटे अनाज गरीबों का प्रमुख भोजन होते हैं, धान की खेती के लिए सघन सिंचाई से पर्यावरण और जल स्तर में गिरावट भी आई है, जिससे इन राज्यों में कृषिगत विकास को बनाए रखने में खतरा पैदा होता है। यानी कि जहां लोगों को फायदा होगा वहां उसी फसल को बोएंगे लोग। न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ जाती है। FCI की बढ़ती परिवहन और भंडार लागत से ने इसे और बढ़ा दिया। NSSO ने नंबर 558 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.38 किलोग्राम वर्ष 2004-05 से घटकर 5.98 किलोग्राम वर्ष 2012-11-12 में हो गया। नगरीय भारत में प्रति व्यक्ति प्रति माह चावल की खपत 4.71 किलोग्राम से घटकर 4.49 किलोग्राम 2011-12 में हो गया। प्रति व्यक्ति PDS चावल की खपत 2004-05 से 2011-12 तक ग्रामीण भारत में दोगुनी हुई है, नगरीय भारत में 66% बढ़ी है। PDS गेहूं की प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत 2004-05 से ग्रामीण एवं नगरीय भारत में दोगुना हो गई है। PDS डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे अपचार करते हैं, राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाजों का पड़ा रहना आम बात जो बिक नहीं पाता, यह एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो FCI के गोदामों में अनाज का विशाल स्टॉक हो जाता है। हाल के वर्षों में एक और कारण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गिरावट आई है। पहले प्रत्येक परिवार के पास निर्धन या फिर गैर निर्धन राशन कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी आदि वस्तुओं का एक निश्चित कोटा होता था। ये प्रत्येक परिवार को एक समान निम्न कीमत पर बेचे जाते थे। आज आप जो तीन प्रकार के कार्ड और कीमतों की श्रृंखला देखते हैं, पहले यह नहीं थी।
बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा निश्चित था। इसमें निम्न आय वाले परिवार के शामिल थे, जिनकी आय निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की आय से थोड़ी अधिक थी। अब तीन भिन्न भिन्न कीमतों वाले टीपीडीएस की व्यवस्था में निर्धनता रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन दुकान पर बहुत कम छूट मिलती है। एपीएल परिवारों के लिए कीमतें लगभग उतनी ही ऊंची हैं जितनी खुली बाजार में, इसलिए राशन की दुकान में से इन चीज़ों को खरीदारी के लिए उनकी बहुत कम प्रोत्साहन प्राप्त होता है। सरकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका क्या है? भारत में, विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। एक तरह से समाज सेवा होती है। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति रही है। गुजरात में दूध या फिर दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का उदाहरण है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी। देश के विभिन्न भागों में कार्यरत सरकारी समितियों के और अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ने विभिन्न क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस और गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के विषय में प्रशिक्षण क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिशें रंग ला रही हैं। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। ये आपका इस अध्याय का सारांश दिया गया है, इसे भी देख लेते हैं। किसी देश की खाद्य सुरक्षा अब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है, भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता है। निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा भाग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है, सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत सैनिक। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में, जहाँ बहुत अधिक गरीब हैं, जनजातियों वाले व दूरस्थ क्षेत्रों में, और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानी पूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की, जिसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जहाँ जमा रखा जाता है यानी कि स्टॉक किया जाता है, उसके बाद वितरण किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं आपके, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल है। इनमें से कुछ कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना आदि। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त अनेक सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इसी चैप्टर से संबंधित आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई थी, वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लें। तो ये थी आपकी कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की
अर्थशास्त्र की बुक्स। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कल से भारत और समकालीन विश्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और हमारी बुक से होती है वो है आपकी विज्ञान। उसके बाद हम लोग कक्षा 10वीं में पहुंच जाएंगे। कक्षा 6वीं से शुरू की थी, कक्षा 10 12 तक हम लोग चलेंगे, ठीक है।